ठीक पीछे अपने आपको धुएं का एक गुबार दिखाना चाहती हूँ। हम एश्केलोन इस टाउन में आए थे क्योंकि हमें ये पता चला था कि सुबह से लगातार यहाँ पर हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये देखिए बीच बीच में आपको बूम की आवाज भी आएगी। ये भगवान क्या। तो दोस्तों देखा आपने हमारे देश के मीडिया का कारनामा, जिन्हें मणिपुर का नाम सुनते ही बुखार आ जाता है वो झोला उठाकर इजराइल पहुंच गए हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो इन्हें लोग गोदी मीडिया के नाम से संबोधित करते हैं। वैसे इन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूंगा, कहीं दुबक कर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि अगल बगल कहीं हो गया ब्लास्ट तो ड्रामे के साथ पेमेंट भी कहीं हो ना जाए लास्ट। और दोस्तों मुझे तो लगता है ये नौटंकी भी सीमा हैदर की तरह 1-1.5 महीने तक टीवी पर चलेगी। और हो सकता है अब की बार दिवाली की मिठाई भी ये लोग इसी TRP के पैसे से खाएं। और लल्लन भैया मैं सोचता हूँ ये लोग जैसे ही वहाँ से वापस इंडिया आए वैसे ही इजराइल का नाम बदल कर ईश्वर लाल करवाएं। भुखमरी में भारत विश्व गुरु बन चुका है, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन हमारे देश की मीडिया इजराइल में मस्त है। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा झंडू प्रसाद ने कहा है, गटर में भी डुबकी मारेंगे ये लोग अगर मिल जाए 4 आने, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। थोड़ी मर्यादा रखिए। दोस्तों एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपने ही देश के किसी जंगल में इजराइल गजा और फिलिस्तीन का सेटअप लगा कर बैठे हों। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने बिपरजॉय तूफान में देखा था और झूठ बोलने में वास्तव में ये लोग माहिर हैं और इनकी खबर सुनने वाले भी ज्यादातर जाहिल हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। तो दोस्तों देखा मामा का दिमाग भी एक्स्ट्रा 2AB की तरह चलता है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी मामा चुपके चुपके से खाते में रेवड़ियां भेजेंगे। लल्लन भैया हमारे देश में चुनाव का असली मतलब यही होता है, जैसे ही आचार संहिता लगे वैसे ही मेहनत से ज्यादा मिठाई पर ध्यान दो, ताकि गिनवाना ना पड़े 5 साल में किए गए काम और रेवड़ी बांटकर बटोर लो वोट तमाम। समझ रहे हो आप? वैसे ये बिल्कुल सही कहा आपने, 1000-2000 के चक्कर में ही आटा दाल चावल शक्कर का दाम सुनकर लोगों को चक्कर आ जाता है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते। वैसे भैया 1000-2000 में जो लोग बिक जाते हैं इन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इतने में तो गधा भी नहीं बिकता। वैसे दोस्तों मुझे तो लगता है अब की बार जुमला पार्टी की वास्तव में विदाई होनी तय है, क्योंकि आजकल रेवड़िया कुछ ज्यादा बांट रहे हैं। दोस्तों इसीलिए तो इस पर महान कवि बापा लपेटू दास ने कहा है कि हमारे देश के नेताओं की भी गजब कहानी है, चुनाव जीतने के बाद चावल उससे पहले बिरयानी है।